अक्सर अपने ट्रैवल के दौरान आम आदमी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि वह अपने घर में मौजूद पालतू जानवरों का ख्याल किससे रखवाए। अक्सर पेट्स को पालने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण यह होता है कि तमाम जगहों पर पेट्स को ले जाना अलाउ भी नहीं होता। लोग कुत्तों को या बिल्लियों को अपने घरों में बंद करके या किसी पड़ोसी के हवाले सौंप कर अपने घरों से बाहर जाते हैं। लेकिन इस बार बनारस में यह समस्या खत्म होती दिखने लगी है। शहर में एक शख्स ने एक डॉग हॉस्टल का निर्माण करा दिया है। डॉग हॉस्टल जहां पर अपने पालतू जानवरों को रखकर आप यहां से ट्रैवल करने जा सकते हैं। डॉग हॉस्टल में कुत्तों के रखरखाव की खूब व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां पर कुत्तों के खाने पीने के सामान से लेकर उन्हें ठीक से रखने तक के लिए पिंजरों का इंतजाम किया गया है। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग परेशान होते हैं, कहीं किसी को जाना है शादी ब्याह में या अपने रिलेटिव के यहाँ या किसी भी फंक्शन में या किसी भी मान लीजिए हो सकता है कि किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो मिलने जुलने आउट ऑफ बनारस जाना पड़ता है, तो डॉग को कहाँ छोड़ेंगे। तो छोड़ने की हमने मतलब रखने की अपने यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था की है, जिसका हम खाना खर्चा वगैरह सब लेते हैं और डॉग को उसमें हॉस्टल में रखते हैं। क्या ये बनारस में पहली शुरुआत है कि इस तरीके की? जी यही कहेंगे कि ये पहली शुरुआत है, क्योंकि बहुत फ़ोन आते थे, बहुत लोगों को रखने की दिक्कत होती थी। अब अचानक किसी का फ़ोन आ गया कहीं से, ऐसी प्रॉब्लम आ गई है आ जाइए, तो फिर वो अपने डॉग को पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी भी लेने के लिए तैयार नहीं है, डरता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने एक केज के अनुसार हॉस्टल बनाया है, बड़ी सी, उसके अंदर रखने की पूरी व्यवस्था की है। वाराणसी में शुरू हुई इस कोशिश की तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पे लोगों ने इसकी तारीफ की है। लोगों ने कहा है कि बड़े शहरों में भी ऐसे इंतजाम होने चाहिए, जिससे कि शहरों में रहने वाले उन लोगों को राहत मिल पाए जो दिन भर ऑफिस में रहते हैं और उनके पालतू जानवर घर में परेशान होते हैं।